बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों और हिंदू परिवारों पर हो रहे हिंसक हमलों के विरोध में भारत सरकार से शांति हेतु कठोर हस्तक्षेप की मांग प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की गई है। जानकी सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह रावत ने बताया कि विश्व शांति हेतु निरंतर कार्यरत शांति दूत अखिल भारतीय जानकी सेना संगठन देश से लेकर विदेश के 5 देशों अमेरिका, न्यूजर्सी, वियतनाम, साउथ ली, लंदन, दुबई, नेपाल में 65,000 से अधिक सदस्य द्वारा प्रत्येक शनिवार को विश्व शांति हेतु सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्व शांति हेतु संगठन के तत्वाधान में 2 विश्व रिकॉर्ड सुंदरकांड भी किए जा चुके हैं। पिछले कुछ सप्ताह में बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थलों और हिंदू परिवारों पर हिंसक हमले हो रहे हैं, जिसमें केवल और केवल हिंदू परिवारों के लोग मारे गए हैं और कई मंदिर क्षतिग्रस्त भी कर दिए गए हैं, जिससे एक वर्ग भेदभाव के तहत जा रहा अत्याचार भी कहा जा रहा है। तो भारत वासियों के लिए बहुत दुखद और चिंतनीय है, क्योंकि भारत हमेशा वसुदेव कुटुम्बकम का निर्वहन करते चला आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से संगठन विनम्र अनुरोध करता है कि बांग्लादेश में हिंदू परिवारों और धार्मिक स्थलों पर हो रहे हिंसक हमलों के विरोध में भारत सरकार जल्द से जल्द कठोर हस्तक्षेप करे। क्या नाम है आपका? महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम दास। आज आप यहाँ पे क्यों आए? आज यहाँ पर जो है, आज हमारे हिंदुओं पर और हमारे मंदिरों पर जो अत्याचार बांग्लादेश में किया जा रहा है, उसके तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर आवेदन देने के लिए श्री प्रधानमंत्री महोदय जी के लिए आवेदन दिया। उसके लिए यहाँ पर सब जानकी सेना संगठन के द्वारा यहाँ पर सब उपस्थित, हमारे जानकी सेना संगठन के सैनिक सभी लोग उपस्थित हुए। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से एक वर्ग को एक निशाना बना करके जो कार्य किया जा रहा है, आज उस पर जो हमारे श्री प्रधानमंत्री महोदय जी उस पर विचार करें और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई लाएं कि आज पूरे विश्व में हम लोग, आज हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं वसुदेव कुटुम्बकम, हम लोग एक मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबको सबकी प्रार्थना करते हैं, हम लोग जयकारा बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। और कुछ लोग जो ऐसे अपराधी लोग हैं जो एक वर्ग को एक अपना निशाना बनाकर के ऐसा कार्य कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ एक आवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपने कितने दिन की समय सीमा दी है? यदि ये कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे इसके आगे? अभी तो प्रार्थना ही कर रहे हैं, हम लोग तो प्रार्थना ही कर रहे हैं कि सरकार से ऐसा ऐसा कोई ना कोई ऐसी मुहिम चलाए जिससे हमारे हिंदुओं और हमारे मंदिरों पर इस प्रकार से कोई कार्रवाई ना हो।